Hello students, we discuss the chapter Ranga's marriage in snapshot book. Ranga's marriage written by Masti Venkatesha Iyengar. अब सबसे पहले अपन पैराग्राफ में इसके बारे में सुनेंगे. रंगा द अकाउंटेंट सन इज वन ऑफ द थ्री रेयर ब्रीड अमंग द विलेज फॉक हु हैज बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज. व्हेन ही रिटर्न टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर द क्राउड्स मिल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज चेंज और नॉट. हिज आइडियाज अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट और आर दे. रंगा जो है वो अकाउंटेंट का एक बेटा है. विलेजर्स के बीच एक अद्भुत व्यक्ति है जो शहर से मतलब अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गया था. कहाँ पर गया था? बेंगलोर. और वहाँ से वो अपने विलेज गांव लौटता है तो लोगों का जो क्राउड है उसे देखने के लिए उसके घर पर जमा हो जाता है कि क्या वह बदल गया है अथवा नहीं. मैरिज के बारे में उसके विचार अब बिल्कुल अलग है अथवा क्या सचमुच ही अलग है. तो लेट अस वी स्टार्ट द लेसन. व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस रंगाज मैरिज. व्हाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजया. वेल यस आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरजा कल्याण. बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथास विक्ट्री और गिरजास वेडिंग. इट्स अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल. हौशाली इज अवर विलेज. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. नो वॉट अ पिटी. बट इट इज नॉट यूर फॉल्ट. देयर इज नो मेन्शंस ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक. Those sahibs in England, writing in England, probably do not know that such a place exists and so make no mentions of it. Our own people to forget about it. You know how it is. They are like a flock of sheep. One sheep walk into the pit, the result blindly follow it. So, जब आप इस शीर्षक को देखते हैं मतलब इस टाइटल को देखते हैं तो आप में से कुछ लोग ये पूछ बैठेंगे कि रंगा विवाह क्यों लिखा है टाइटल, रंगनाथ का विवाह क्यों नहीं लिखा अथवा रंगनाथ विजय क्यों नहीं लिखा. हाँ ये सही है सोचा आपने. मैं जानता हूँ मैं मतलब राइटर जो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं कोई अन्य बड़ा नाम नहीं सोच सकता जैसे जगन्नाथ विजय अथवा गिरजा कल्याण. पर यह कथा जगन्नाथ के विजय अथवा गिरजा के विवाह की नहीं है. यह तो हमारे अपने रंगा की शादी की है मतलब उसे मैरिज से जुड़ी हुई है और इसीलिए किसी आकर्षक शीर्षक की मतलब अट्रैक्टिव जो शीर्षक होता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. हौशाली क्या है? हमारा गांव है. आपने मतलब यह नाम जो है कहीं सुना नहीं होगा. कैसी विचित्र दशा बात है. पर इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है. इसका जिक्र किसी भी भूगोल के मैप में नहीं है. इंग्लैंड में रहने वाले बड़े बड़े साहब को अंग्रेजी में जो लिखते हैं शायद जानकारी इसकी भी जानकारी उनको नहीं है कि ऐसा कोई स्थान अस्तित्व में है और इस कारण भी इसका जिक्र नहीं करते मतलब इसका ये नहीं करते. हमारे अपने लोग ही इसे भूल जाते हैं. आप जानते ही हैं कि वे किस प्रकार के लोग हैं. वे तो भेड़ों के झुंड की तरह होते हैं. जिस प्रकार से भेड़ होती है, एक भेड़ अगर गड्ढे में गिर जाती है तो शेष भेड़े अंधी बनकर उसके पीछे उस गड्ढे में कूद जाती है. जब इंग्लैंड में रहने वाले साहब और हमारे अपने भूगोल के लेखकों ने इस गांव का जिक्र नहीं किया है राइटर ने, तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि नक्शा बनाने वाले इसे शायद याद रख कर नक्शे में दिखा देगा. क्या आप ऐसे होप रखते हो और इसी कारण किसी भी नक्शे में इस गांव की छाया भी देखने को मिलेगी. सॉरी
आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन. इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज भरतवर्ष, व्हाट द स्वीट करीगडाबू, एक फ्रूट्स का नाम है करीगडाबू, इज टू अ फेस्टिवल मील, भोजन है एक प्रकार का. देन हौशाली इज टू मैसूर स्टेट, व्हाट द फीलिंग इज टू द करीगडाबू, व्हाट आई हैव सेड इज ऑब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू यूअर क्वेश्चनिंग. I will not object to your questionings, but I will stick to my opinion. I am not the only one who speaks glowingly of Hoshali. We have a doctor in our place. His name is Gundabhatt hai uska naam, hai na? He agrees with me. He has been to quite a few places. No, not England. If anyone asks him whether he has been there, he says, "No, Ananya, I have left that it too. I left that to you. Running around like a flea, faster dogs is not for me. I have seen a few places in my time, though as a matter of fact, he has seen many. We have some mango trees in our village. Come visit us. And I will give you a raw mango from one of them. Do not eat, just take a bite. The sourness, matlab khattapan, is sure to be to go straight to your Brahmarandra. I once took one such fruits home and a chutney was made out of it. All of us ate it. The cough we suffered from after that. It was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. Sorry, माफ कीजिए, मैंने कहाँ से प्रारंभ किया था और फिर किस डायरेक्शन में मैं भाग गया था. यदि मैसूर राज्य का भारतवर्ष से ही संबंध है तो करीगा दाबू का त्यौहार के भोज से है, मतलब वहाँ पर करीगा दाबू का त्यौहार भोज होता है. तो हौशाली का संबंध भी मैसूर राज्य से ही वही है जो करीगा दाबू का उसके अंदर भरी जाने वाली खाद्य सामग्री से है, मतलब उसके अंदर जो मसाला भरते हैं उसको बोलते करी. करीगा दाबू क्या है, एक दक्षिण साउथ इंडिया का क्या है, एक तलने वाली तली हुई मिठाई है जिसके अंदर क्या होता है, नारियल और चीनी भरी जाती है. मैंने मतलब उसको अपने यहाँ उसको बोलते हैं गुजिया. मैंने जो कुछ कहा है वह पूरी तरह सही है, मेरा विश्वास कीजिए. यदि आप इस पर शंका करके प्रश्न पूछेंगे तो मैं विरोध या ऐतराज नहीं करूँगा, पर मैं हौशाली के बारे में अपनी राय पर दृढ़ बना रहूँगा. एक मैं ही अकेला व्यक्ति हूँ नहीं हूँ जो हौशाली की तरह तारीफ करता हूँ. हमारे गाँव के एक डॉक्टर भी है, उनका नाम है गुणभट्टा, वह भी मुझसे सहमत है. वह अनेक स्थान पर मतलब बहुत जगह पर घूमकर आए हैं. नहीं नहीं, इंग्लैंड नहीं गए वो. यदि कोई उनसे पूछता कि क्या तुम वहाँ गए थे, वह कहता है नहीं अन्य नहीं नहीं, मैं बाकी सब स्थानों पर गया, मैंने वह स्थान आपके लिए छोड़ रखा है. पिस्सू के तंग कुत्ते की तरह मारे मारे फिरना मेरा काम नहीं है. यदि भी मैंने अपने जीवन काल में अनेक स्थान देखे हैं, वास्तव में उसने बहुत से नगर देखे हैं. हमारे गांव में कुछ आम के वृक्ष हैं, कभी आओ आपको उन वृक्षों से तोड़कर एक कच्चा आम दूंगा. उसे खाना मत, केवल एक टुकड़ा काटो, इसका खट्टापन निश्चित रूप से सीधा आपके अंदर पहुंच जाएगा. एक बार मैं वह फल लेकर घर आया था और मैंने उसकी चटनी बनाई थी. हम सब ने उस चटनी को खाया, उसके कारण हमको क्या हो गई थी, सारे घर को भयानक खांसी हो गई थी. जब मैं उसके लिए कफ सिरप लेने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचा, तो डॉक्टर ने मुझे उस फल की क्वालिटीज बताई.
Just as the mango is special, so is everything else around our village. We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond. Its flowers are feast to behold. Get two leaves from the creeper when you go to the pond for your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meals. You will say, I am rambling. It is always like that. It is always like that when the subject of our village comes up. But enough, if any one of you would like to visit us, drop me a line. I will let you know where Haushali is and what things are like here. The best way of getting to know a place to visit it, don't you agree? What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. We did not having many people who knew English. Then our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. It is different now. There are many who know English. During the holidays, you come across them on every street talking in England. Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannad. What has happened in disgraceful, believe me. The other day I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood. तो जिस प्रकार आम एक विशेष फल है, उसी प्रकार से हमारे गांव के आसपास सभी कुछ विशेष है. हमारे गांव के तालमेल में एक बेल उगती है, मतलब तालाब में. उसके फूल आँखों के लिए किसी का भेजा हुआ आनंद, किसी भोज जैसा आनंद देते हैं. उसके फूल जो है मतलब आनंद देते हैं. उस बेल के दो पत्ते ले आओ, जब भी वहाँ स्नान करके जाओ, और आपको शाम के भोजन को परोसने के लिए पत्ते लाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी. आप कहेंगे मैं मूल बात से इधर उधर भटक रहा हूँ, मतलब जो मेन टॉपिक है उसको छोड़कर मैं इधर उधर भटक रहा हूँ. सदा ही ऐसा होता है जब मैं अपने गांव की चर्चा करता हूँ, पर काफ़ी हो चुका. यदि आपको वहाँ आने की इच्छा है तो मुझे पत्र लिख देना. मैं आपको बता दूंगा कि हौशाली कहाँ स्थित है और वहाँ की चीज़ें किस प्रकार की है. किसी भी स्थान को भली भांति प्रकार से जानने का सर्वोत्तम तरीका है कि उसे देखने आओ. आप मेरी बात से सहमत है ना? मैं जो कुछ आपको बताने जा रहा हूँ वह घटना 10 वर्ष पहले घटी थी. उन दिनों हमारे यहाँ अंग्रेजी जानने वालों की संख्या बहुत कम थी. हमारे गांव का अकाउंटेंट पहला व्यक्ति था जिसने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए बेंगलोर भेजा था. भेजने का उसने हिम्मत की थी, साहस की थी. अब तो स्थिति भिन्न हो चुकी है. अंग्रेजी जानने वालों की संख्या काफ़ी हो चुकी है. छुट्टियों के दिन आपको हर सड़क पर लोग अंग्रेजी से बातें करते मिल जाएंगे. इन दिनों हम अंग्रेजी नहीं बोलते थे, ना ही कन्नड़ बोलते थे. उस समय अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे. जो परिवर्तन आया है वह शर्मनाक है, मेरा विश्वास कीजिए. उन दिनों मैं रामा राव के घर पर था जब जलावन लकड़ी की एक गट्ठर, मतलब जलाऊ लकड़ी की जो गट्ठर रहता है वो लाया था. रामा राव सन्स केम आउट टू पे फॉर इट. ही आज द वुमन, हाउ मच शुड आई गिव यू? 4 पैसे. 4 पैसे, सी सेड. The boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning. The poor woman did not understand the English word change and went away muttering to herself, I too did not know. Later
When I went to Rama Ranga's house and asked him, I understood what it means, this priceless commodity, the English language was not so widespread in our village. A decide ago. That was why Ranga's homecoming was a great event. People rushed to his doorsteps announcing the accountant's son has come. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here. It seems, and come Ranga is here. Let go and have a look. Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyards and asked, why are all these people come? There's no performing monkey here. A boy, a fellow without any brains, said loud enough for everyone to hear, what are you doing here then? A youngster, amateurs and without any manners, thinking that all these thinkings were now of the past, I kept. तो जैसे ही मतलब एक महिला लकड़ी लेकर आई थी उनके यहाँ, तो रामा राव का बेटा जो था वो उसका उसके पैसे चुकाने के लिए बाहर निकला. उसने उस महिला से पूछा कि कितने पैसे हुए, तो उस महिला ने कहा कि 4 पैसे. तो रामा राव का बेटा जो तो बोला मेरे पास मतलब चेंज नहीं है, और बोला कि कल आकर ले जाना. बेचारी उस महिला को चेंज का मतलब पता नहीं था, वह बड़बड़ाती हुई चली गई. मुझे भी पता न था. बाद में जब मैं रंगा के घर गया तथा उसके अर्थ उससे अर्थ पूछा, तब कहीं जाकर मुझे समझ में आया कि चेंज यानी क्या होता है. इस अमूल्य चीज अंग्रेजी भाषा का प्रचलन आज से 10 वर्ष पूर्व इतना व्यापक नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था. यही कारण था कि रंगा के घर वापसी एक बड़ी घटना बन गई थी. लोग उसके दरवाजे पर यह घोषणा करते चल पड़े कि अकाउंटेंट का बेटा आ गया है, वही बेटा जो पढ़ाई के लिए बेंगलोर गया था आ गया है, और चलो रंगा लौट आया है, चलो चलकर उसे देख तो ले. भीड़ से आकर्षित मैं भी वहाँ चला गया और आंगन में खड़ा होकर पूछा, ये सारे लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ कोई बंदर तमाशा तो नहीं होने वाला है? एक लड़का जिसमें दिमाग ही नहीं था, इतनी ऊँची आवाज़ बोला कि सभी लोग सुन ले, फिर आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? तो जो बालक अपरिपक्व था या तौर तरीके से अन्य भी नहीं था, सोचकर कि मेरी बात पुराने जमाने की है, चुप हो गया. Seeing so many people there, Ranga come out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. Thank God, it did not. Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago, when he had first left our village. An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, the Janevara is still there. He hasn't lost his caste. She went away soon after that Ranga law. Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugars in a child's mouth. I continued to stand there. After everyone had gone, I asked, how are you, Rangappa? Is everything well with you? It was only then that Ranga noticed me. He came near me and did a namaskaram respectfully, saying, I am all right with your blessing. तो वहाँ पर जो इतने सारे लोगों को देख कर रंगा को क्या हो गया, मुस्कुराहट के साथ बाहर आ गया, मतलब मुस्कुराते हुए वो घर से बाहर निकला. यदि हम सभी अंदर चले गए होते तो वह स्थान कलकत्ता की अंधेरी कोठरी बन गया होता. परमात्मा का शुक्र है, मतलब भगवान का शुक्र है कि ऐसी दुर्घटना नहीं हुई. हर व्यक्ति यह देखकर विस्मय रह गया कि रंगा तो वैसा ही है जैसे 6 माह पूर्व था, जब वह गाँव में पहली बार गया था. उसके पास खड़ी एक वृद्ध महिला ने अपना हाथ उसकी छाती पर फेरा, उसकी आँखों में देखा तथा बोली, जनेऊ अभी भी पहने हैं आपने? जनेऊ मतलब जो धागा, मतलब
गले में डालते हैं एक होली, क्या बोलते हैं उसको, बहुत पवित्र ही रहता है, थ्रेड रहता है। उसने अपनी जाति से नहीं नाता तोड़ नाता नहीं तोड़ा है, और वो ऐसे के मतलब उसने जनेऊ को बाहर जाने के बाद भी उसने जनेऊ नहीं तोड़ा। उसके बाद वह चली गई और रंगा हंस दिया। एक बार जब सबने महसूस कर लिया कि रंगा के हाथ पैर आंखें नाक वैसे ही है, तो वे वहाँ से धीरे धीरे खिसक गए, जैसे बच्चे के मुँह में रखी चीनी की डली घुलकर गायब हो जाती है। मतलब जैसे अपन शक्कर डालते हैं, थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, घुल जाती है और वो गायब हो जाती है। मैं वही खड़ा रह गया। जब सभी लोग जा चुके थे तो मैंने पूछा, कैसे हो रंगप्पा, सब कुछ ठीक ठाक है ना? तब जाकर रंगा ने मुझे देखा, वो मेरे निकट आया तथा सादर नमस्कार किया। वो बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दया है। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस आस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन। एंड And rightly, as his people's word. As for his namaskara to me, he did not do it like any present day boy with his head up towards the sun, standing stiff like a pole, without joints, jerking his body as if it was either a hand or a walking stick. Nor did he merely fold his hands. He bent low to touch my feet. May you get married soon, I said, blessing him. After exchanging a few pleasantries, I left. That afternoon, when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. A generous, considerate fellow. It would be a fine thinking to have him marry, settle down and be of service to society, I thought. For a while, we talk about this and that. Then I came to the point. Rangappa, when do you plan to get married? I am not going to get married now, he said. Why not? मैं आपका ध्यान रंगा के इस चारित्रिक गुण, मतलब कैरेक्टर जो उनकी और दिलाता हूँ कि मतलब उसके कैरेक्टर्स की ओर बताता हूँ कि वो जानता था कि कब किस व्यक्ति से किस तरह से बात करना है और कैसा उसमें नहीं होगा फ़ायदा होगा। वो लोगों को सही मूल्यांकन कर लेता था। जहाँ तक उसको मुझे नमस्कार करने की बात है, उसने वह आज के बालक की भांति नहीं किया जो अपना सर सूरज की ओर उठाए, किसी खंभे की भांति अकड़ कर सीधा, मतलब खड़ा करके, जिससे जैसे जोड़ ही ना हो, शरीर को झटका देते हुए मानो वह या तो हाथ है अथवा कोई छड़ी। नहीं, उसके केवल हाथ जोड़े, उसने झुककर उसने मेरे चरण स्पर्श किए। मतलब जैसे आजकल के जो लड़के करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो ऐसे दूर से ही करते हैं ना, परंतु उसने नहीं, उसने चरण स्पर्श करके मुझे प्रणाम किया। तो मैंने उसको आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारा विवाह शीघ्र कर दे, मतलब जल्दी तुम्हारी शादी हो जाए, मैंने उसको आशीर्वाद दिया। कुछ हंसी दिल लगी के बाद वह वहाँ से चल दिया। उस दोपहर को जब मैं विश्राम कर रहा था, रंगा मेरे घर दो संतरे लेकर आ गया। उदास हृदय बालक था वो। अच्छा होगा यदि उसका विवाह हो जाए और वह समाज की कुछ सेवा करे, मैंने सोचा। कुछ समय तक उसने इधर उधर की बातें की, फिर मैं काम की बात पर आ गया। रंगप्पा, तुम विवाह कब करना चाहते हो? अभी तो विवाह नहीं करना चाहता, उसने कहा। पर क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। आई नो एन officers who got married only 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25. I am told they will be able to talk lovingly to each other. Let us say I married a very young girl. She may take my words spoken in love as words spoken in anger. Recently, a troupe in Bangalore staged the play शकुंतला। कौन सा प्ले था वो? शकुंतला प्ले। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंतास फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला। इफ सी वर यंग लाइक द
present day brides, is there? What would have happened to Kalidasa's play if one great married, it should be to a girl who is mature. Otherwise, one should remain a bachelor. That's why I am not marrying now. Is there any other reason? A man should marry a girl he admires. What we have not now are arranged marriages. How can one admire a girl with milk stains on one side of her face and witness on the other so young that she doesn't even know how to bite her fingers? One neem fruits, the other bitter brown. Exactly, Ranga said laughing. I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. After chatting for a little longer, Ranga left. I made up my mind right then that I would get him married. उसने कहा मुझे सही लड़की की ज़रूरत है, मतलब अच्छी जो योग्य लड़की है उसकी ज़रूरत है। मैं एक अफसर को जानता हूँ, उसने केवल 6 माह के पूर्व विवाह किया था और उसकी आयु कितनी थी, वह 30 वर्ष था, मतलब 30 ईयर्स ओल्ड था, और उसकी जो वाइफ थी वह 25 की। वे एक दूसरे को प्यार पूर्वक बातें करते थे, मतलब लविंगली कपल था वो। मान लो मैं एक बहुत छोटी लड़की से विवाह कर लेता हूँ, वह शायद प्यार से बोले मेरे शब्दों को, क्रोधावेश में बोले वचन समझ ले, मतलब प्यार से बोले हुए और क्रोध से बोले वचन को अगर वह समझ ले। पिछले दिनों बेंगलोर में एक नाट्य मंडली ने शकुंतला नाटक का मंचन किया था, मतलब एक नाटक कंपनी आई थी, उन्होंने किसका मंथन किया था, शकुंतला। यदि शकुंतला छोटी होती तो दुष्यंत कभी उससे प्यार ही नहीं करता, इतनी छोटी जैसी कि आज की पत्नियाँ होती है, तो फिर कालिदास के नाटक की रचना कैसे होती? यदि कोई व्यक्ति विवाह करता है तो ऐसी लड़की से जो परिपक्व हो अथवा कुंवारा ही रहना ठीक रहेगा। इसी कारण मैं अभी विवाह नहीं करना चाहता हूँ। क्या कोई और रीज़न है? लड़का उसी से विवाह करे जिससे वो पसंद करता है। आजकल तो आयोजित विवाह का चलन है, मतलब एंगेज अरेंज मैरिज बोलते हैं उसको। भला ऐसी लड़की हम किस प्रकार की सराहना कर सकते हैं जिससे एक गाल पर दूध के धब्बे हो तथा दूसरे गाल पर गिलापन, अथवा वह इतनी छोटी है, दूध के धब्बे मतलब बहुत ही छोटी है, मतलब कि वह अपना नाखून काटना भी नहीं जानती। एक तो नीम का फल तो दूसरा कड़वा कद्दू। बिल्कुल ठीक, रंगा हंसता हुआ बोला। मुझे दुख हुआ कि जिस लड़के के बारे में मैंने सोचा था कि अच्छा पति बनेगा, वो तो ब्रह्मचारी रहना चाहता है। कुछ समय तक और बातें करके रंगा चला गया। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं इसका विवाह करा कर ही दम लूँगा, मतलब इसकी शादी में अवश्य ही करवाऊँगा। रामाराव नीज अ प्रीटी गर्ल्स ऑफ 11। हैड कम टू स्टे विथ हिम। सी वॉज फॉर ए बिग टाउन, सो शी न्यू होम टू प्ले द वीना एंड द हारमोनियम। She also had a sweet voice, both. Both her parents had died and her uncle had bought her home. Ranga was just the boy for her and she the most suitable bride for him. Since I was frequent visitor to Rama Rao's place, the girls was quite free with me. I completely forgot to mention her name, Ratna. It was the very next morning I went to their house and told Rama Rao's wife, I shall send some buttermilk for you. Rama Ratna to fetch it. अब रामा राव भी क्या था, रामा राव जो था एक वहाँ का गांव में रहने वाला, उसकी एक भांजी 11 वर्ष की थी, उसके पास रहने के लिए आ गई थी। वह भी बड़े नगर शहर से आई हुई थी, इसलिए वह वीणा तथा मतलब वीणा और हारमोनियम्स क्या करती, बजाना जानती थी। उसका स्वर भी मतलब उसकी आवाज़ भी बहुत क्या थी, मीठी थी। उसके माता पिता का
तब देहांत हो चुका था उसके अंकल, उसके अपने इसलिए उसके अंकल क्या कर रहे थे, उसे अपने घर ले आए थे। रंगा उसके लिए सही योग्य मतलब वर था उसके लिए, और लड़की उसके लिए सर्वथा उपयुक्त पत्नी थी। चूंकि मैं रामा राव के घर अक्सर आता जाता रहता था, लड़की मेरे साथ खुलकर बातें करने लगती थी। मैंने उसका नाम बताना ही भूल गया था, उसका नाम तो है रत्ना, उसका नाम क्या है रत्ना। अगली सुबह मैं उसके घर गया तथा रामा राव की पत्नी को बताया कि मैं कुछ छाछ आपके लिए भेजूंगा, रत्ना से कहना कि आकर ले जाए। रत्ना केम, इट वॉज अ फ्राइडे, सो सी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ीज। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्ट हर टू सिंग ए सॉन्ग। आई सेंग फॉर रंगा। वाइल सी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, रंगा रीच द डोर। ही स्टॉप एट द थ्रेश होल्ड। He did not want to singing to stop, but was curious to see the singer. Carefully, he peeped in. The light coming into the room was blocked. Ratna looked up and seeing a stranger there, abruptly stopped. Suppose you buy the best quality mango. You eat it slowly, savoringly its peels, before biting into the juicy flesh. You do not want to waste any part of it before you take another bite. The fruit slips out of your hands and falls to the ground. How do you feel? Ranga's face showed the same disappointment when the singing stopped. You sent for me, he asked as he came in and sat on a chair. अब क्या हो गया, फ्राइडे को रत्ना जब आई थी तो उस दिन फ्राइडे था, इसलिए एक सुंदर साड़ी पहनकर आई थी। मैंने उसे अपने कमरे में बिठा दिया था और उसे एक रिक्वेस्ट करी थी गाना गाने के लिए। मैंने रंगा को बुलावा भेज दिया था जब रत्ना गा रही थी। तब कृष्णमूर्ति मेरी आँखों के सामने रंगा द्वार पर आ गया। वह दहलीज पर रुक गया, वह नहीं जानता था कि गायन रुक जाए, पर वह गायक को देखने के लिए कितना था, बिल्कुल आतुर था। सावधानीपूर्वक उसने अंदर झांका। कमरे में आते प्रकाश में बाधा पड़ गई तो रत्ना ने अपनी दृष्टि ऊपर पाई तथा एक अजनबी को खड़ा देखा। तुरंत उसने अपना गाना बंद कर दिया। मान लो आप सर्वोत्तम किस्म के आम खरीद लाते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी के। आप उसे धीरे धीरे खाते हैं, पहले उसके छिलके का रस लेते हैं और फिर उसके बाद उसके गुदे का लेते हो। आप उसका कोई भी भाग नष्ट नहीं करना चाहते। दूसरी बार चूसने से पहले वह फल आपके हाथ से फिसल कर जमीन पर गिर जाता है, आपको कैसा लगता है? रंगा के चेहरे पर भी वैसी ही निराशा दिखाई दी जब गायन रुक गया। क्या आपने मुझे बुलवाया था? कमरे में प्रवेश करते ही उसने मुझसे पूछा तथा एक कुर्सी पर बैठ गया। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, हर हेड लोअर्ड। रंगा रिपीटेडली ग्लांस एट हर। वंस हर आईज मेट एंड ही लुक वेरी एम्ब्राज्ड। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग व्हाइल। इट वॉज माई कमिंग इन डेट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लिव। वर्ड्स मेयर वर्ड्स, द फेलो सेड ही वुड लिव बट डिड नॉट मेक अ मूव। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट words to match actions in these days of Kali Yuga. Ratna ran inside, overcome by shyness. After a while, Ranga asked, "Who is that girl, Swami? Who is that inside?" The lion wanted to know. The he got. Who had taken shelter in the temple replied, "Does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten nine lions. I have vowed to eat one more.
टेल मी आर यू मेल और फीमेल द लायन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम्स लाइक द ही गॉट आई सेड व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु सी इज आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू aren't द मैरिंग काइंड वेरी होपफुली ही asked. She isn't married then. His voice did not betray his excitement, but I know it was there. She was married a year ago. रत्ना कुछ दूर पर खड़ी थी, उसका सिर झुका हुआ था. रंगा ने बार बार उसे देखा, बार बार दोनों की दृष्टि मिली और उसे शर्म आ गई. काफी समय तक दोनों में कोई नहीं बोला. मेरे आने से गायन रुक गया, इसलिए मैं चलता हूँ. शब्द मात्र शब्द, रंगा ने कहा तो वह फिर वहाँ वह जा रहा है, परंतु अपने स्थान से हिला नहीं. आज कलयुग में भला शब्दों का कर्म से क्या मेल है. रत्ना अंदर भाग गई, वह शर्मा गई थी. कुछ समय पश्चात रंगा ने पूछा, यह लड़की कौन है स्वामी, अंदर कौन है? शेर ने जानना चाहा था. बकरी ने जिसके मंदिर में शरण ली थी बोला, इससे क्या अंतर पड़ता है कि मैं कौन हूँ? एक बेचारा पशु हूँ जो पहले ही 9 शेरों को खा चुका हूँ. मैंने एक शेर और खाने की शपथ ले रखी है. यह तो बताओ कि तुम नर हो या मादा? शोर भय के कारण भाग खड़ा हुआ, ऐसा दिखता है. बकरी की भांति मैंने कहा, यह जानने का हम दोनों को क्या लाभ कि लड़की कौन है? मैं तो शादी कर ही चुका हूँ और तुम शादी करना नहीं चाहते हो? बहुत आशा के साथ रंगा ने पूछा. तो उसका विवाह अभी नहीं हुआ है? उसकी आवाज़ में कोई उत्तेजना नहीं दिखी, पर मैं जानता था कि वह आवेग में था. उसका विवाह तो 1 वर्ष पूर्व ही हो गया था. द नेक्स्ट